गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर घमासान जारी है और इस बीच गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दूधेश्वर नाथ मंदिर के पास दुकानों के बाहर गर्व से कहो हम हिंदू हैं के पोस्टर लगाए। गाजियाबाद में मौजूद दूधेश्वर नाथ मंदिर कांवड़ यात्रियों के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर जल चढ़ाते हैं। अब हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े लोगों ने यहाँ गर्व से कहो हम हिंदू हैं के पोस्टर लगा दिए हैं। वहीं दुकानदारों ने भी पोस्टर लगाने का विरोध नहीं किया। और हिंदू युवा वाहिनी के स्थानीय नेता आयुष क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनना चाहिए। हर साल कहीं न कहीं ये 100% विवाद होता था कि होटलों पर शुद्ध खाना ना मिलने के कारण कहीं होटलों के मालिक द्वारा कांवड़ियों के साथ में बदसलूकी के, इसलिए शांति प्रिय कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, किसी कांवड़िये के धर्म के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसीलिए हम सभी हिंदू भाइयों की दुकानों पर एक बोर्ड नेम प्लेट के नाम से लगाने जा रहे हैं जिस पर स्लोगन है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि नाम लिखने पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को। यूपी सरकार के वकील ने दलील दी कि अगर सुनवाई हफ्ते या दो हफ्ते के लिए चलती है तो फिर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एक तरफा आदेश पास किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है। नाम लिखे जाने के समर्थन में याचिका दाखिल करने वाले वकील ने अदालत में कहा कि ये शिव भक्तों की आस्था का मामला है। तो नेम प्लेट पर जारी रहेगी सुप्रीम रोक, नाम लिखने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता है किसी को भी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर दुकानदार अपनी इच्छा से नाम लिखना चाहते हैं तो वो जरूर लिखें। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है अपना जवाब दाखिल करने के। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपना क्या कुछ पक्ष रखा है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, पहला सबूत पंडित जी वैष्णो धाबा, ये बोर्ड पर नाम जो है पंडित जी वैष्णो धाबा, असली मालिक जो है वो सनवर है, यानी मुसलमान जो है वो इस ढाबे का मालिक है, लेकिन उसने पंडित जी वैष्णो ढाबा नाम लिखा हुआ है, राजस्थानी खालसा ढाबा, जबकि असली मालिक जो है वो फुरकान है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सबूत दिए हैं कि कैसे नाम बदलकर लोगों के साथ धोखा किया जाता है। राजा राम भोजनालय टूरिस्ट ढाबा, ये मोहम्मद वसीम असली मालिक है, जबकि नाम जो है वो राजा राम भोज ढाबा के नाम से है। हालांकि इन दलीलों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर अड़ा रहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी इच्छा से कोई भी नाम लगा सकता है, लेकिन नेम प्लेट लगाने के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता।